उसके आधार पे कि अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या बेटर रह सकता है, कैसे लोगों की जो प्रैक्टिस है, कैसे खरीदते हैं, कैसे वो, तो उस आधार पे कुछ चीजें, कुछ प्रोविजन लाने की। लेकिन ये प्रस्तावित है, यानी इसमें कुछ भी कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उसको आप फाइनल उसी को मानना जो जो वेबसाइट पे आवे और जब ये फाइनल हो जाए। तो अभी मैं जस्ट जो प्रोविजनल है वो बता रहा हूँ आपको। अपरिवर्तन प्रावधान मतलब जो पुराने एजीटी जो पहले मैं बता देता हूँ, रॉयल्टी जो हमारी थी वो एजीटी है 3, 4.5, 6, 8 वो जो स्लैब है, टेक्निकली एजीटी है वो कोई है, कोई चेंज नहीं, यानी जितना पहले था वो सब एजीटी है। परिवर्तित प्रावधान ये जो हमारा परफॉर्मेंस बोनस था वो चेंज किया थोड़ा सा, उसमें 32 की जगह 22 हो गया है। तो स्टार्टिंग में जो 12 था सिंपल उसको 2 और ऐसे, पर ये आप सोच रहे होंगे कि 10, तो इस 10 को बड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की, बहुत शानदार, मुझे लगता है आपको सबको बहुत पसंद आना चाहिए। उसी तरह नए प्रावधान, अब देखो एक तो ये बहुत शानदार चीज है, मासिक वाइटल ग्रोथ बोनस, जो वाइटल अचीवर्स है, वाइटल मतलब स्टार्टर से लेकर विनर और स्टार फील, जो अपनी स्टार जो लीडरशिप वाली होती है उनके लिए एक प्रोविजन किया गया है कि वो अपनी पिन या तो मेंटेन रखते हैं या ग्रोथ करते हैं, तो उनको ये सर एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला था ना थोड़ा कुछ मिस्टेक हो सकती है, स्टार्टर की जगह ओपनर है सर, ये स्टार्टर के नेक्स्ट जो लेवल है ओपनर है, राइट नहीं, स्टार्टर ही है वो, स्टार्टर ओपनर ही है सर, टारगेट स्टार्टर ही है बस सर। अच्छा सॉरी 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 सर सॉरी, ये स्टार्टर से लेकर स्टार तक पॉइंट दिए जाएंगे इनको, या तो ये उस पिन पे मेंटेन रहते हैं तो पॉइंट मिलेगा, और ग्रोथ करेंगे तो नेक्स्ट लेवल वाले पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन इनकी कंडीशन एक ही है कि इनको फरवरी 2023 का बेस माना गया है और उससे कम नहीं होना चाहिए बिजनेस, वो बेस है, पुराना भली हो, पुराने को अपने छोड़ दिया, फरवरी 2023 का बेस माना, ताकि हम प्रेजेंट स्थिति से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके। और इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि जिस लेवल पे और जो बिजनेस आ गया उससे कम बिजनेस नहीं आना चाहिए, डी का जो बिजनेस है उसमें कुछ न कुछ ग्रोथ जरूर होनी चाहिए, पहले लेवल तो मेंटेन है लेकिन बिजनेस में भी ग्रोथ होनी चाहिए, तो ये पॉइंट मिलेंगे। और पॉइंट के आधार पर कंपनी के पूरे टर्नओवर का 1% पीवी औसत आधार पर, जितने पॉइंट बनते हैं उस आधार पर सबको, यानी वाइटल लेवल पर एक बहुत अट्रैक्टिव मंथली इनकम का आधार बन गया है, और बहुत बढ़िया एक सिस्टम आया है। इसी तरह से मासिक रॉयल्टी ग्रोथ बोनस सेम सिस्टम है, फरवरी 2023 बेस है, और वो फरवरी वाला लेवल मेंटेन रहने पर या ग्रोथ करने पर, दोनों है, वो लेवल आपको इसमें मेंटेन रहना है, तो ये पॉइंट मिलेंगे। और वही पीवी कंपनी के पीवी का 1% औसत आधार पर इनमें वितरित किया जाएगा, तो ये रॉयल्टी पर भी एक एक्स्ट्रा इनकम का, मंथली एक्स्ट्रा इनकम का बहुत अच्छा तरीका ये है इसमें। इसी तरह से फिर ये टेक्निकल के लिए है, ये स्टार एमराल्ड तक के लिए सेम सिस्टम है, रॉयल्टी वाला ही, तो अलग से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इसमें स्टार एमराल्ड तक आधा परसेंट है, आधा इसलिए है क्योंकि बाकी का आधा रूबी से डायमंड तक के लिए है, सिस्टम होगा वही है, यानी मंथली जो भी कंपनी का टर्नओवर होगा उसका टोटल टर्नओवर का पीवी टर्नओवर का 0.5% ये ऐसे पॉइंट निकाले जाएंगे, और उस आधार पे औसत आधार पे वितरित किया जाएगा। अचीवर्स को वो लेवल मेंटेन करना है या ग्रोथ करना है ये ध्यान रखना है, तो इस पॉइंट के पात्र बनेंगे वो। नेक्स्ट आते हैं अपन, वो तो था मासिक, यानी मंथली इनकम का एक्स्ट्रा तरीका, ये सबका सजेशन था कि इससे एक बहुत बड़ा लीडरशिप डेवलपमेंट आएगा, बिजनेस में बड़ी क्रांति आएगी, तो ये एक विचार रखा गया था। अब ये वार्षिक, यानी
ये साल में एक बार एक्यूमुलेटेड मिलेगा, साल में एक बार पूरे कंपनी के एक साल के टर्नओवर का 1% पीवी की राशि का ये वाइटल में बैठेगा। तरीका वही है जो पहले था, लेकिन ये मिलेगा एक साल में। वाइटल को जितने पॉइंट हो पूरे साल भर में अर्जित करेंगे, मान लो किसी महीने में 2 किए, किसी महीने में 6 किए, किसी महीने में 1 किया, किसी महीने में नहीं किया, जो जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी जो जैसा करता है उसको, मौका तो उनको सारा है, पर जो जैसा जितने ज्यादा पॉइंट अर्जित करता है वो उतना हिस्सा इसमें ज्यादा लेके जाएगा, पर साल में एक बार मिलेगा पूरा कंपनी के टर्नओवर का। ये इसी तरह से रॉयल्टी में मिलेगा, पूरे साल के कंपनी के टर्नओवर का 1% रॉयल्टी में वार्षिक बोनस के रूप में मिलेगा। तरीका वो रहेगा, ख्याल से आप समझ चुके हैं। इसी तरह से फिर टेक्निकल में मिलेगा, पर्ल से स्टार एमराल्ड तक 0.5% और रूबी से डायमंड तक 0.5%। तो ये एक मंथली इनकम में भी हमें एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई, और सालाना एक संचित, एक बड़ी फिगर मिलने का हमें। कई बार हम क्या कि पैसा बचा नहीं पाते, खर्च कर देते, तो ये आपको सेविंग के रूप में, अरे बड़ी इनकम के रूप में एक मिल गया। एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि मान लो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक साथ ही थोड़े दिन वाइटल रहा, थोड़े दिन रॉयल्टी रहा, थोड़े दिन टेक्निकल रहा, क्या होगा? तो उसका जितना जो बनेंगे पॉइंट उतना उस रेशियो में उस का हिस्सा जुड़ के और मिल जाएगा। मान लो रॉयल्टी का उतना रुपया अपना टेक्निकल वगैरह वो जुड़ के पूरा मिल जाएगा। ये एक तरीका है। फिर है कंसिस्टेंसी बोनस, इसमें भी बहुत ही नायाब, ये इससे पहले भी नायाब चीजें की गई सारी, और ये बहुत ही जबरदस्त लगेगा, आपको बहुत पसंद आना चाहिए। अब तक हम जब कंसिस्टेंसी ऑफर के रूप में लाते हैं टेम्परेरी, लेकिन ये क्योंकि प्लान में आ गया था, परमानेंट हो गया है। और दूसरी चीज इसमें क्या की गई, अब तक हम हमेशा टारगेट आधारित लाते हैं, इससे ऊपर रहने वालों को, इसमें दोनों को कवर किया है। 1500, 2500, 5000 के 3 स्लेब है, उसमें 6 महीने की खरीद पर उतनी उतनी डीपी प्राइस के प्रोडक्ट फ्री में दिए जाएंगे। लेकिन आप सबसे नीचे अगर देख रहे हैं 100 से 1500, यानी 100 से 1500 वालों को भी कवर किया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। कंसिस्टेंट खरीदी होनी चाहिए, बस चाहिए 100 की हो, 500 की हो, 1500 की हो, 800 की हो, कैसे भी, तो उनकी 6 महीने की कुल खरीद का 12%, खरीद पीवी का 12% के प्रोडक्ट उनको 6 महीने बाद मिल जाएंगे। तो यानी हर खरीदार को बेनिफिट है, कंसिस्टेंसी खरीदार को, हर खरीदार को बेनिफिट है इसमें। फिर है ये कंसिस्टेंसी केस अवार्ड, वो 5000 तक के लिए था, अभी जो बड़े खरीदार है कंसिस्टेंट, उनको भी एक बहुत अच्छे बेनिफिट के रूप में 10000 या अधिक के लिए 6 महीने बाद उनको 3000 केस अवार्ड मिलेगा, 25000 या अधिक के लिए, या जैसे 12000 लिखा हुआ लेकिन फिर में 12500 है, कोई टाइपिंग एरर है, 12500 पढ़ सकते हैं आप, और 50000 या अधिक के लिए 30000, तो 6 महीने बाद ये केस अवार्ड मिलेगा आपको कंसिस्टेंसी पर। तो ये तो हो गए हमारे, ये सब अभी ये फिक्स हो गया है, अगर हम प्लान में करते हैं तो ये फिर हमेशा के लिए हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि 3 महीने आया, 2 महीने आया। और छोटे वाले जो है परचेजर, जो हमारे बल्क में रहते हैं, जो बहुत रहते हैं, जो हमको बताने में आसानी रहती है कि यार हर महीने खरीदते रहना, उन सबको इसमें कवर किया गया है, उनको वो उतना पीवी का वो सब ध्यान देता हूँ, उन सबको कवर किया गया है। तो ये प्लान वाले पार्ट तो यहाँ खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो एजीटीज है, मैंने वो बता दिया जो चेंज हुआ परफॉर्मेंस बोनस में, और ये जो नए प्रोविजन आए हैं वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल के लिए मासिक बोनस, वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल के लिए वार्षिक बोनस, और खरीदारों के लिए कंसिस्टेंसी, छोटे से लेकर बड़े हर खरीदार को अपने पूरा पूरा बेनिफिट
देने का इसमें कोशिश किया, ये एक बेसिक प्लान हो के थोड़े प्रोविजन हो गए, लेकिन मैं कुछ और पावरफुल चीजें भी साथ में बताना चाह रहा हूँ आज, जो बहुत जरूरी है, जिसमें आपको बहुत अच्छी पसंद आनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी के सवाल हो गया, ये न्यूट्री चार्ज की तरफ से डबल धमाल ऑफर, तो इसमें वो वैसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें भी जो छोटे बायर जो है 100 से 1500, उनको भी वही 6 मंथ पर 12%, इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आरसीएम दे रहा है ना उतना का उतना ही न्यूट्री चार्ज भी देगा डबल सारा, छोटे वालों को भी बड़े वालों को भी। तो कुल ये लिखा है, ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया कि कुल ऐसे मिलेगा अगर पूरा न्यूट्री चार्ज का होता है, वो तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन आपको सिंपली ये समझना है कि जो आरसीएम का है वैसा का वैसा ही न्यूट्री चार्ज डबल, पूरा का पूरा डबल हो जाएगा। यानी मान लो 12% प्रोडक्ट मिल रहे हैं और पूरे न्यूट्री चार्ट के तो उनको 24% हो जाएगा, कि 12% भी प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ट के मिलेंगे, लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि सारे ग्राहक सारे प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ट के तो नहीं खरीदते हैं, तो हमने कुछ चीजें और इसमें शामिल करने के भी प्रयास किया है। ये कंसिस्टेंसी का केस अवार्ड में भी न्यूट्री चार्ट का जो 10,000 वालों को 5,000 न्यूट्री चार्ज की तरफ से, 25,000 वालों को 12,500 न्यूट्री चार्ज की तरफ से, 50,000 वालों को 30,000 न्यूट्री चार्ज, ये भी एक डबल धमाल, ये बहुत बड़ा धमाल कह सकते हैं जो बड़े हमारे परचेजर्स हैं, लेकिन इसके आगे देखिए, अभी ये एकदम नई जो पहली बार हो रहा है हमारे आसिम में, कीसोल और यूमिनी प्रोडक्ट की ओर से भी डबल धमाल होगा, क्योंकि मीटर आता है कि मान लो कोई 5,000 का खरीद रहा है तो उससे 2,000 न्यूट्री चार्ज का हो सकता है, 3,000 न्यूट्री चार्ज का हो सकता है, बाकी कुछ और भी तो खरीदेगा, तो अपने कीसोल की तरफ से भी सेम टू सेम, ये देखिए टेबल, ये टेबल सेम रहेगी, न्यूट्री चार्ज भी सेम रहेगी, भले मैंने बोला टाइपिंग वगैरह का कुछ बोल देता है मीटर, पर ये 100 से 1500 वालों को भी पूरा कीसोल के प्रोडक्ट पे 12%, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बायर के लिए ये पूरा जो किया गया ना, कि बायर को जानने और बायर और लीडरशिप दो चीजों को आपको बहुत जबरदस्त में काम मिल जाएगा, फिर ये साथ में गामा ओरिजिनल की तरफ से भी, तो न्यूट्री चार्ज का भी डबल धमाल, कीसोल का भी डबल धमाल और गामा ओरिजिनल का भी डबल धमाल, अब तो हो जाएगा कमाल से, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है खरीदी में, बहुत ज्यादा बेनिफिट है खरीदी में। इसके आगे चलते हैं, ये एक आप सोच रहे होंगे कि अब हो गया होगा है सब कुछ हो गया होगा, लेकिन इस बार जब मैंने कहा कर ही रहे हैं, जब अपने को सब कुछ अच्छा करना है और हमने सब कुछ पैटर्न देख लिया है, और जब हमारा उद्देश्य है कि घर घर में आरसीएम पहुंचाना है, सब आरसीएम के प्रोडक्ट लगातार खरीदते रहे, तो कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है, हर नो को पहले से यस में कन्वर्ट करने के सारे उपाय कर लेने, तो एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कह सकता हूँ, पावरफुल हथियार कह सकता हूँ जो आपको दिया जा सकता है, ये एक आरसीएम परचेजर क्लब, आरसीएम परचेजर क्लब। ये क्या है, इसमें एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिमाह लगातार 100 पीवी से 5000 पीवी तक परचेज करते रहो, छोटे परचेजर को कहीं कुछ नहीं छोड़ा गया, कहीं भी किसी भी जगह, और बड़े को भी कहीं किसी जगह नहीं छोड़ा गया, सारे परचेजर को इसमें मतलब हर जगह मौका दिया गया, कुल खरीद 50,000 पीवी होते ही आरसीएम परचेजर क्लब में एंट्री हो जाएगी, सिंपल है। नीचे तो कंडीशन है कि मान लो किसी महीने कोई 5,000 पीवी से ज्यादा खरीदता है, खरीदने की मनाही नहीं है, बाकी बेनिफिट सब मिलेंगे, लेकिन इस क्लब में 5,000 जोड़े जाएंगे, प्रवेश लक्ष्य पूरा होने तक प्रति 6 माह कम से कम 5 माह में, हाँ, और लगातार खरीद रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ऐसा है तो 6 महीने में 1 महीना नहीं हुआ तक चल सकता, पर इससे ज्यादा
अगर रहता है, वो वापस शून्य पे आ जाएंगे नए सिरे से। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक महीना भी किसी को बोलना नहीं कि एक महीना छोड़ सकते हो, ये केवल इमरजेंसी के लिए हमने लिखा है। ये एंट्री का सिंपल सिस्टम है, 50,000 होते ही एंट्री, ठीक है। अब लाभ क्या क्या मिलेंगे ये समझते हैं। शायद ये आपको थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लग सकता है, पर ये है, ये हो सकता है, ये करेंगे। 1500 से 5 एंट्री के बाद 1500 से 5000 टीवी प्रति माह की खरीद पर 10% अतिरिक्त परचेजर क्लब बोनस, पूरा पूरा 10% एडिशनल। वो पीछे जो 30 आई वो अलग चल गई, ये पूरा 10% उसकी खरीद का एडिशनल बेनिफिट होने लग जाएगा। यानी कोई 4000 का खरीदता था उसको 400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगी परचेजर क्लब में आने के बाद। इसके लिए क्या करना होगा, बने रहने के लिए 1500 पीवी परचेज होना बहुत जरूरी है। अगर किसी महीने कम हुई तो, एक महीना कम हुई है तो उस महीने का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लगातार 2 महीना कम हुई तो वो क्लब से बाहर हो जाएगा। तो लगातार खरीदी यहाँ भी जरूरी लाभ लेने के लिए, और 1500 पीवी मिनिमम है तो किसी के लिए भी, किसी भी यूजर के लिए ये एक रीजनेबल, मतलब मोस्ट रीजनेबल फिगर है कि कोई भी आरसीएम के प्रोडक्ट यूजर पर बनता है। अब मुझे बताइए यूजर की तो होगी ना चांदी चाहिए। यहाँ पर अलग लाभ, कंसिस्टेंसी ऑफर में अलग लाभ, और डबल धमाल के अलग लाभ। एसोसिएट बायर कितनी भी खरीद अपनी आईडी पर कर सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा वो 5000 तक पर मिलेगा। ज्यादा वो खरीद रहा तो खरीदेंगे, अन्य लाभ उनको मिलते रहेंगे। फोर्थ है परचेजर क्लब बोनस का लाभ योजना जारी रहने तक दिया जाएगा। ये योजना कितने समय तक जारी रहेगी नहीं रहेगी अधिकार कंपनी के पास है, ये बिजनेस के हित में जब भी देख कर निर्णय लिए जाएंगे। तो कुछ चीजें मार्केटिंग प्लान की थी, कुछ चीजें साथ में मैंने इसलिए बताई कि वो थोड़ा सा नील के अलग अलग में पूरा क्लियरिटी नहीं अपनी इसमें क्या लाभ है, ऐसे जस्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप समझते हैं सर सारे लाभ। वाइटल लेवल को एक इम्पोर्टेंस इसमें दी गई है, उनको भी एक्स्ट्रा बोनस कमाने का पूरा अवसर दिया गया है। वाइटल लेवल तक, वाइटल में वो जो कौन सा लेवल है, स्टार्टर लेवल, स्टार्टर से ही कंपनी के उस रिकॉर्ड में वाइटल लेवल मिल जाता है, या जो भी स्टार्टर से स्टार्टर लेवल से एक कमाने का अवसर दिया गया है। भाई साहब मैं थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ आपको, एक्चुअल में क्या है कि अपना जो दो लेवल, पहले बिगिनर स्टार्टर और फिर ओपनर है, तो वो अपन गलती से स्टार्टर लिख दिया, वो वहां पर हमें ओपनर लिखना है। वो बस साहब ने सही बोला था। हाँ ये ओपनर है, पहले दो नीचे के लेवल इसमें से कम है। हाँ ठीक है, वो समझ लें आपसे, तो मैंने पहले बोला कि टाइपिंग एरर और भी एक दो जगह है, 12,000 तो वो टाइपिंग एरर हो सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में कल कल में बनाया गया। तो वाइटल के शुरू के दो लेवल जो होनी है, उसके बाद चार लेवल है, वो करेक्ट कर लेंगे, कर लेंगे अभी इसमें। दूसरा पॉइंट है इसमें हर प्रकार की खरीदी की निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा आकर्षक बनाया गया है, ताकि हमारा जो मेन इश्यू है कि हम ड्रेनिंग बहुत करा लेते हैं, कंसिस्टेंसी में उनको परचेज में नहीं रख पाते हैं। तो इस बार इतने आपको इंस्ट्रूमेंट, इतने टूल्स दे दिए गए हैं कि आप जितनी भी ड्रेनिंग कराओ सबको आप खरीदी में रखवा पाओगे। ऐसा भी नहीं कि बड़ी करोगे तो रखवा पाओगे, 1500 से ऊपर करो, 2500 से ऊपर करो, 5000 से ऊपर करो, ईच एंड एवरी यूजर, ईच एंड 200, 400, 500, 1000, 800, 1500, 1200 सबके लगता ही रहता है। तो आपको ये जबरदस्त, मैं इसको जबरदस्त हथियार के रूप में मानता हूँ कि सारी खरीदारी को बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट दिया गया। और तीसरा है वाइटल से लेकर टेक्निकल तक तीसरा लाभ है, ट्रिपल बेनिफिट है। मासिक आय में अतिरिक्त आय आपको मासिक बोनस के रूप में मिली रही है, जो पुराना एजेंडीज है, और ये मासिक आय एक्स्ट्रा मिलती है।
दूसरा बिजनेस में ग्रोथ की संभावना है बढ़ने से आय बढ़ने के अवसर, क्योंकि हम ग्रोथ फास्ट करेंगी तो वैसे भी आय बढ़ेगी, जो वाइटल रॉयल्टी पे जाएगा, रॉयल्टी टेक्निकल पर जाएगा या रॉयल्टी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तो वो इनकम भी बहुत बढ़ेगी। और तीसरा है वार्षिक लीडरशिप बोनस के रूप में अतिरिक्त संचित आय पाने का अवसर, यानी एक ईयरली जो हमारे सिस्टम में नहीं था, ईयरली इनकम का एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। तो बहुत ही अगेन में जो हमारे कुछ सीनियर कोर साथियों ने बैठकर इससे जो भी एक्सरसाइज करके हमने जो किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सबको पसंद भी आना चाहिए, चाहे आना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ इसका सही उपयोग करके और हम नई ऊंचाई को छू पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लगा। शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरती।